ये वो धरती जहारी सी मुनी जब तैयारी नाम की माला आरियो 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 यहाँ राधा की बाला जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश मेरा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा वो ऐसी होगा तरकसी अमित शाह निकला है पहला गृह मंत्री जी के तरकस से निकला पहला दिन 30 मई को शपथ हुई राजनाथ सिंह के बाद बने गृह मंत्री अमित शाह जी गृहमंत्री जी के तर्क से निकला है पहला तीर उस तीर ने बंधन से मुक्त कर दिया कश्मीर हालांकि अल्लाह बोला उन्होंने वहां अच्छाई नहीं होगी आतंक हो जाएगा अमित शाह ने कहा क्यों आतंक हो जाएगा आतंकियों का डेरा वो कश्मीर नहीं आतंकियों का डेरा कश्मीर नहीं है क्योंकि ये उनके बाप की जागीर नहीं है उनके बाप की जागीर नहीं है कश्मीर में आजादी का वर्णन आएगा लोग कहते 47 में देश आजाद हुआ मैं कहता नहीं 47 में कुछ हिस्सा आजाद हुआ अरे हमारे देश का सबसे अच्छा था टुकड़ा जिसको धरती का स्वर कहते हैं वहां तिरंगा झंडा ना फहराया जाए भारत माता की जय ना बोली जा सके वंदे मातरम का गीत ना गाया जा सके कैसी आजादी कैसी अरे आजादी तो अब है कश्मीर में आजादी का रंग आएगा क्योंकि वहां तिरंगा झंडा फहराएगा क्योंकि वहां तिरंगा झंडा फहराएगा कुछ लोगों ने कहा ठीक नहीं किया बहुत गलत होगा हमारे पत्रकार चंद्रशेखर जी वहां पहुंच गए उनसे जाके पूछा कश्मीरियों से 370 हटने के बाद आपको कैसा लग रहा है उन्होंने कहा बहुत अच्छा बोले अच्छा बोले और क्या क्यों बोले 370 धारा कोई चोरी नहीं है लोग शब्दों का सिंगावलोकन लगाते हैं आदरणीय क्रांति वाला जी
इस गीत में मैं संख्या का सिंहावलोकन लगा रहा हूँ। सिंहावलोकन 370 अंतिम पंक्ति 370 से बंद होगी। पहली पंक्ति जहाँ बंद होगी इस संख्या से, अगली पंक्ति उसी से शुरू होगी। देखना जरा क्या बात। कि 370 धारा में हम घोटे साल हैं 70। लेकिन 70 साल बाद मौका ऐसा आया कि राज्यसभा में इसका और इसके बाद जब लोकसभा में पहुंचे तो लोकसभा में वोटिंग जब की गई 370 के लिए, देखिए परिणाम क्या हुआ। क्या कि 70 वोट विपक्ष में थे और पक्ष में 370। पक्ष में 370, हालांकि 70 उचके बहुत गलत 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 देख कुछ नहीं। 370 के आगे क्या बात, क्या करे बिचारे 70। ये 70 370 के आगे क्या करे बिचारे 70। और 70 दिन ना लगे मई को शपथ हुई और 70 दिन ना लगे खत्म हो गई 370 हो गए 370 हो गई 370 गई 370। लेकिन इसमें भी किसी के पेट का पानी नहीं पचा तो पापी कहे फिर से घटना, वो पाक कहे फिर से घटना होगी पुलवामा जैसी। ये नेता ने किसी ने जवाब नहीं दिया। टेलीविजन में आपने सुना होगा कह रहे थे, सेना ने जब सुना तो बोले सुनो पुलवामा जैसी घटना का मतलब फिर से मारे जाएंगे। कोई जवाब नहीं देगा, हम जवाब दे रहे हैं। सेना ने जवाब दिया क्या? अगर आपकी आत्मा को छुए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सेना सेनानियों ने कहा कि जो ये कहते फिर से घटना होगी पुलवामा जैसी, उनकी ऐसी तैसी। माँ का दूध पिया जाओ, उनकी ऐसी की तैसी। लोगों ने कहा किनकी किनकी, कोई भी हो, चाहे हो इमरान खान, चाहे हो इमरान खान, चाहे महमूद कुरैशी, उनकी ऐसी की चाहे हो कि चाहे हो अजहर मसूद, वो चाहे हो अजहर मसूद और चाहे हो ओवैसी, उनकी ऐसी की
आदरणीय सम्मानीय। इतना कहते हुए कि चूंकि इसमें एक बात आई, नंबर एक चीज दादा ने जब घी और गोबर मिलाया तो बताया कि घी और गाय का घी नंबर एक बताया है। तब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक लड़के ने भी अपने अंकल से माने चाचा से किसी के लिए नंबर वन कहा। ठीक कैसे? अंकल अंकल बेटा अंकल से कह रहा है कि अंकल अंकल मेरी आंटी बहुत सज्जन सब सुशील है, सच मानो तो मेरी आंटी नंबर वन चीज है। तब अंकल ने कहा कि बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं कि जिसे तू समझ रहा है आंटी नंबर वन चीज, वो आंटी नंबर वन नहीं, वो है चाची 400, चाची 420, वो है चाची 420। चूंकि समय इस चक्र में बहुत हो गया और काफी मार्मिक राउंड ये चला है, तो आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं कि किस तरीके से ये सवाल और जवाब आएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्रांतिमाला संगीतर मंडल मौजूद है और बगुआ जैसे कलाकार मौजूद है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं क्रांतिमाला संगीतर मंडल को उसी एहतराम के साथ, उसी सादगी के साथ। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ दादा। दादाजी अभी आपने राजू भैया के लिए कहा कि कहीं मुके बगुआ के साथ बैठ तो घर घर पे तो नहीं बैठ गई है। हालांकि घर पे इतनी ज्यादा चीजें आदमी नहीं बताता है, मुझे लग रहा है ये बैठे तो हैं, कहीं ना कहीं तो बैठे हैं। अब बैठे कहां ये आप बता दीजिए। जो बज रहा है वही बैठे हैं, क्योंकि वही सब सच्चाई बता दी जाती है, चाहे दरबार में ना बताया आदमी। ठीक है, आइए स्वागत है क्रांतिमाला जी संगीत मंडल। चूंकि समय जाया हुआ है, जो चक्र 2 बजे खत्म होना चाहिए था, 2:30 पर वो 3 बजे हुआ है। आइए हम हैं, आप हैं और है मेगा स्टार जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम, जिसके एक कन्वीनर है मिस्टर चंद्रकांत प्रजापति और हमारे तमाम आयोजक मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, धन्यवाद। बहुत बढ़िया चरण चाचा जी की ओर से, चरण तमाम बातें भी सुनी है। ये कह रहे क्रांतिमाला जी, आजकल कलाकार कोई जवाब स्वीकार नहीं करता। अच्छा आप कर रहे हो चाचा, आप भी तो नहीं कर रहे हो। जो खुद नहीं कर रहे हो वो बच्चों से आप उम्मीद कर रहे हैं बच्चे करेंगे। छोटे छोटे बच्चों से झगड़ रहे हैं। बहस कर रहे हो आप, बच्चों से बहस नहीं की जाती। करे क्रांतिमाला, बातों के बतासे से जवाबी नहीं होती। करे जब तुमने ये कहा कि ये गीत आदित्य का लिखा हुआ है, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आदित्य ने लिखा और मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। आप समझा नहीं रहे थे, आप मेरी कमियां बताकर मुझे डांट रहे थे। इसको समझाना नहीं कहते, इसको हड़काना कहते थे। हड़काना क्या ठेका है गुरु? पहले तो हमने सोचा चाचा हमारे कुछ अच्छा बता रहे होंगे, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो कहते हैं वो अच्छा ही होता है। लेकिन जब आप ये जताने लगे, जब आपने कह दिया मैंने किसी ग्रंथ में तुम मुझे दिखा नहीं सकती, पढ़ा नहीं सकती कि शकुंतला पुत्र को लेकर पहुंची दुष्यंत के पास, तब मुझे थोड़ी हंसी आने लगी कि आप स्कूल में पढ़ाते भी हैं और क्या प्राइमरी पढ़ाते हैं। जब आप पढ़ाते हैं तब आपको ज्ञान नहीं है, फिर बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और क्या, बच्चे भाग जाते हैं। हम लोग चाचा जरूरी नहीं कि जो किताबें आपने पढ़ी वही तक किताबों को अंत है, दूसरे भी पढ़ते हैं और क्या, हम लोग भी पढ़ के ही गा रहे हैं, ऐसा नहीं आपके बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी अच्छी बातें कर देते हैं और क्या। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप करे किसी पुराण में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ज्यादा दूर मत जाइए,
ज्यादा दूर मत जाइए, कालिदास जी की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम में पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा। और ना हो तो आप मोबाइल में सर्च करके अभी पढ़िए, उसमें मिलेगा कि दुष्यंत के पास शकुंतला पुत्र लेकर पहुंची। अगर इससे भी तसल्ली ना हो तो महाभारत के प्रथम खंड में पेज नंबर में नोट किया 285 नंबर निकालिएगा और क्या उसमें पढ़िएगा। यह पढ़ाई लिखाई पढ़िएगा, ऐसा थोड़ी है कि सब चच्चे पढ़ के बैठ गए, बिटिया कुछ पढ़ी नहीं रही। ऐसे मंडल चलाते हम लोग। लड़की को पढ़ाने में बहुत पैसा खर्चा हुआ है। सारा इन्हीं में तो खर्चा किया। इसका मतलब आप कालिदास जी को ज्ञानी नहीं मानते? ना मानो हमसे कालिदास, वो रतिराम ज्ञानी जी नहीं। क्या बताएं? नहीं, कुछ बहुत बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी बात गलत है, लेकिन आपने मेरी बात को पूरी तरह से गलत किया, इसलिए मैं उसका स्पष्टीकरण दे रही हूँ। और क्या पढ़िए आप हरे क्रांति वाला। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसमें पाकिस्तान का बंधन थोड़ी है। मैंने कहा गायन का, गायक का जैसे गायन से, लेखक का लेखन से ये भाव का बंधन है। यहाँ तक तो ठीक था चाचा, लेकिन जब आपका जवाब आगे बढ़ने लगा तो वहाँ कोई बंधन बंधन नहीं, सब गठबंधन चल रहा है उसमें। और जवाब में गठबंधन चल रहा है और क्या, वहाँ जवाब नहीं है। नहीं। मेरे गीत में एक अस्त्र चल रहा है, ब्रह्मास्त्र। और क्या? उस अस्त्र को हनुमान जी ने अपने आप को उसमें बंधवा लिया। दोबारा जब रामास्त्र फेंका गया तो ब्रह्मास्त्र को निगल लिया और रामास्त्र में बंध गए। हर जगह हनुमान बंध रहे हैं। फिर उन छोटे छोटे बालकों ने वरुणास्त्र में बांध दिया, तो अपना ब्रह्मास्त्र ना रामास्त्र वरुणास्त्र में बंध गए, क्योंकि वो बंधन तो ममता का बंधन है। पता है क्या यह पढ़ाई लिखाई आप करेंगे? मैंने बताया आबहु मां तुम्हें जाई लेवाई, प्रभु आन सुनहिं राम दुहाई। हनुमान जी कह रहे प्रभु की आज्ञा हो तो मैं सीता जी को ले आऊं। अरे जिस बंधन की आज्ञा ही नहीं दी गई वो काहे का बंधन है? काहे का बंधन है? सही बात। फिर वो कहां का बंधन है? बिटिया ज्यादा ना बोलो चाचा नाराज हो जाएंगे। ये अच्छा बंधन है। खैर आप बड़े हैं और क्या, बिल्कुल आप सम्मान बना रहेगा, लेकिन ये नहीं कि क्रांतिमाला की आदत नहीं है गलत का समर्थन करेगा। आप ही लोगों से सीखा है जवाबी भरपूर होनी चाहिए, जवाबी यार पार की होगी उसमें आदर तो बना रहे, लेकिन फादर होने के नाते गलत फायदा मत उठाइए। और क्या ठेका है गुरु, अपने कटपीस का जवाब सुनिए, बढ़िया जवाब। और सच मानिए चाचा आप करे कोई जवाब नहीं मानता, मैं मानती हूँ। मानती हूँ आपने मेरे कटपीस का जवाब बहुत अच्छा दिया, व्यंजन बन जाता है। आपकी लाइनें बोल रही थी मैंने नोट की, बता दो बेटा बता दो। मिले गाय का घी तो व्यंजन नंबर वन बन जाता है, फिर दूध दही घी तीनों को मिला दो तो सुखमय जीवन बन जाता है। खाली दूध दही घी खा लो, आटा दाल चावल खाओ और सुख में है। और फिर सबसे बढ़िया लाइन कि गौ मूत्र और दूध दही घी तीन मिलाओ तो सुखमय जीवन बन जाता है। गौ मूत्र और उसमें गोबर मिला दो, इतनी बढ़िया चीज दूध दही घी में गोबर मिला दो। इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा है, अब बन जाएगा, जजमेंट हो गया। हमने कहा उसमें गोबर मिला दो, जवाब आपका बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसमें आपने उसमें लगा दिया गोबर मिला दे तो सब गुड़ गोबर हो गया। आपने तो मेरे को गोबर हटा के थूक दिया। क्या ठेका है गुरु। हेलो हेलो, लेकिन मैं सच है तो मजाक की बात है, जवाब आपने अच्छा दिया उसके लिए हृदय से धन्यवाद है आपका। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बेटा हृदय नारायण है के ये वो धरती
जहाँ ऋषि मुनि सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा तो वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा तो जहाँ डाल डाल पर सोने की देश है मेरा वो बहुत अच्छा कटपीस भैया लोगों ने सुना है ऐसे कटपीसों का क्या जवाब आ सकता है चाचा लेकिन बच्चों का प्रयास देखिए कि जो पाक कह रहा घटना होगी फिर पुलवामा के जैसी चाहे हो इमरान खान चाहे महमूद कुरैशी चाहे हो ओवैसी तो तेरी ऐसी की तैसी सबकी ऐसी की तैसी अब चूंकि हम भी भारत में ही जन्मे हैं इसी भारत का नमक हमने भी खाया है ये बात तो हम भी भारत की तरफ से ही बोलेंगे हमारे भारत के वीरों का कैसा हाल है हालांकि आपने इस गीत में जो व्हाट्सएप पर फेसबुक पर खूब चल रहा है 70 अटे 70 आए 70 पक्ष 70 विपक्ष सब वही सब इधर उधर का जोड़कर 70 70 किया है और ऐसा दूसरा लाया भी नहीं जा सकता क्योंकि जितना 70 70 मिला आपने सब 70 जोड़ दिया हम जबरदस्ती का 70 फिट नहीं कर सकते ना। जो हुआ नहीं उसमें 70 बातें लगाने की आवश्यकता नहीं है और सिंघाव लोगों की बात है तो चाचा सिंघाव लोगन लाने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं सोच रही हूँ पंक्ति अच्छी लगे सिंघाव लोगन तो आ जाएगा बड़ी बात नहीं यहाँ से शुरू वहाँ पे खत्म लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि है वीर चढ़े जड़े हैं जैसे नगीना जड़ जाता है अगर इस मुद्री में ये वीर न जड़े हो तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा तो है वीर जड़े भारत मुद्री में जैसे जड़ा नगीना और भारत के वीर कहते हैं कि है देश के खातिर मरना और देश के खातिर जीना।
चीज और पाई। देखिए हमारे भारत के वीर सभी आगे बढ़कर लड़ सकते हैं जब कोई पीछे से उनके साथ सहयोग करने वाला हो। तो आपकी बार कहने में गुरेज नहीं है मुझे कि 22, 29 और 5 से आया। 22 तारीख, 29 तारीख और 5 तारीख देखिए। तो 22, 29 और 5 से आया पावन सावन का महीना। इन तीनों तारीखों में तीन बड़े बड़े काम हो गए। तीन बड़े बड़े काम, पहले में चंद्रयान, दूसरे में 3 तलाक खत्म हो गई और तीसरे में ये 370 धारा हट गई। तो 22, 29 और 5 से आया पावन सावन का महीना। और भारत के वीरों ने कहा कि पर देख ले भारत में बैठा ये 56 इंची सीना। देखे तो गिनती का जोड़ निकलेगा 56। और जिनके सशक्त हस्ताक्षर में वीर लड़ रहे हैं यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो देख ले भारत में है मिला ये 56 इंची सीना, ये 56 इंची सीना। तो भारत के वीरों ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ कुछ भी नहीं विदेशी, सब मिलेगा देसी। यहाँ सब कुछ देसी ही मिलेगा, चाहे देसी घी हो चाहे देसी टेका, देसी है। क्योंकि बार बार क्या टेका लग रहा है। तो यहाँ कुछ भी नहीं विदेशी, सब मिलेगा देसी देसी। और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वो पाकिस्तान कि वो अपना खर्चा चला रहा बेच के गैया भैंसी, अपने ही जानवर बेचकर पेट पाल रहा है। वो अपना खर्चा चला रहा के बेच के गैया भैंसी। और लोगों ने कहा कि है पाकिस्तान है तेरी हालत शेर के आगे, है तेरी हालत शेर के आगे बिल्कुल बकरी के जैसी, तो चल तेरी ऐसी।